सो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ जी न्यूज़ के एंकर और डीएनए होस्ट करते थे मिस्टर सुधीर चौधरी जी के बारे में। दोस्तों, उनका एक ट्वीट आया है और उनमें एक क्लियर किया है, उनने 2 दिन से डीएनए जो नहीं दिखाया जा रहा था उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जी न्यूज़ के एडिटर और डीएनए होस्ट करते थे सुधीर चौधरी जी और वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सुधीर चौधरी जी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। उनने इसकी जानकारी ट्वीट करके दिया है और साथ ही उनने ये भी कहा है कि अभी डॉक्टर जो उन्हें कहा है फॉलोअप कर रहे हैं। साथ ही उनने ये भी कहा है कि उनसे जो भी इस वीक के अंदर मिले थे वो भी अपना या तो आइसोलेट करें या तो आप टेस्ट करा लें ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, एक कोविड की जो लहर है बहुत भयानक है, क्योंकि बहुत लोग सेफ रह रहे हैं उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ ही जा रहा है। और एक बार कोविड होने का मतलब है महीने दिन तो बिस्तर पकड़ लेना एकदम मैंडेटरी सा हो गया है। मेरे को डिस्चार्ज हुई लगभग, आज है आई थिंक 20 तारीख, लगभग मेरे को 15-16 दिन हो गया, लेकिन अभी भी खड़ा होने में, चलने में सांस फूलने लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इतने बड़े एंकर हैं या जी न्यूज़ के जो भी हैं, बहुत लोग पॉजिटिव हो गए। लास्ट टाइम रोहित सरदना जो कि आज तक गैंग में काम करते थे, वो भी 30 अप्रैल को डेथ हो गया था उनका। हालांकि अभी सुधीर चौधरी जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि वो ठीक है और आइसोलेट किए हुए हैं खुद को। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, आप लोग भी प्लीज़ सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स लॉट।